धरती हमारे रहने के लिए एक खूबसूरत जगह है। सदियों से इसने हमें जीने और फलने फूलने के लिए सब कुछ दिया है। हालांकि हमारी गतिविधियों ने इसे नुकसान ही पहुंचाया। आज हालात यह है कि जीवन को बचाने के लिए पहले इसे बचाना होगा। इंसानों ने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया है जिससे उसको डायरेक्ट मौत मिल सके। डर भय खतरनाक वाली मौत ही उसको नसीब होगी। अगर अभी वो नहीं सुधरेगा तो ये भयानक मौत दूर नहीं। आज का वीडियो कुछ छोटी सी नॉलेज शेयर करना है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट स्टार्टेड। पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी हो गया है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमें टॉयलेट पेपर मिल सके इसके लिए हर रोज़ 27,000 पेड़ काट दिए जाते हैं। अगर एक साल का कैलकुलेशन किया जाए तो यानी 1 करोड़ के आसपास पेड़ को काट दिया जाता है सिर्फ एक टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। एक बात और है जिसे आपको जान लेना चाहिए कि अमेरिकी कंपनियां अकेले इतना पेपर इस्तेमाल करती है जिससे अर्थ को 3 बार लपेटा जा सकता है। एल्यूमिनियम का रिसाइकल करने से इतनी ऊर्जा बचाई जा सकती है जिससे टीवी कम से कम 3 घंटे तक चलाई जा सकती है। द वर्ल्ड काउंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में इंसानों के द्वारा 80 ट्रिलियन एल्यूमिनियम कैंस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक की दूसरी चीज़ों के समुद्र में पहुंचने से सालाना लाखों समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज के समय में बनाई जा रही 1 ग्लास की बोतल को पूरी तरह से नष्ट होने में 4,000 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी धरती पर मौजूद केवल 1% पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 97% समुद्र का पानी है और 2% आर्कटिक में बर्फ की अवस्था में है। कल पानी मिले इसके लिए आज पानी बचाना होगा। हमारी धरती पर आबादी का दबाव हर साल बढ़ रहा है। एक साल में 7.7 करोड़ लोग हमारे ग्रह पर बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे जंगलों में पाए जाने वाले जीवों की करीब 50,000 प्रजातियां हर साल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हर रोज करीबन 137 प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है। ऊर्जा बचाने वाले ट्यूबलाइट और बल्ब आदि उत्पादों का उपयोग करना, पेपर और लकड़ी का कम से कम उपयोग करना, जितना ज़्यादा हो सके ई बुक और ई पेपर का इस्तेमाल करना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करना, कहीं आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। हमारा एक छोटा सा कदम आने वाले दिनों को बदल सकता है, पृथ्वी को कहीं ज़्यादा सुंदर बना सकता है, पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री कर सकता है। हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और पृथ्वी को कैसे आने वाले दिनों के लिए बचा सकते हैं उसकी एक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।